चलें बाल को कैपेसिटेंस के लिए आपको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टर्न्स पे अगर हम बात करें तो आपका चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा था, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाला, है ना। और इसका माइक स्पीकर रेड है ना, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और कैपेसिटेंसेज में आपने जो टॉपिक पढ़ लिए थे वो मैं आपको एक बार याद दिला दूँ कि एक तो कैपेसिटेंस क्या होती है डेफिनेशन पढ़ ली थी। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे हम लोगों ने जो है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर आइसोलेटेड कंडक्टर, इसके बाद आपने कॉम्बिनेशन ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप्स, ये हम लास्ट टर्न में सॉल्व कर रहे थे। अगर छोटी छोटी आप ड्रॉप्स को ऐड करेंगे तो नए जो आपके ड्रॉप्स हैं उनके पोटेंशियल या कैपेसिटेंसेज क्या होंगे। फर्दर हमने जो एक खास चीज़ पढ़ ली थी और वो था कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर्स। अगर दो कंडक्टर्स आप चार्ज कंडक्टर आपस में कनेक्ट करते हैं देन द चार्ज फ्लोज फ्रॉम द कंडक्टर एट हायर पोटेंशियल टू दैट एट लोअर पोटेंशियल। कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों के पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर्स, दूसरा था आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्जेस कितने कितने आएंगे, और तीसरे नंबर पे आपका जो था वो आपका आया था फाइनली द लॉस ऑफ एनर्जी इन द कॉम्बिनेशन। ठीक, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है माइक के साथ। अब आज की कहानी में हम ध्यान देखना, जो आपसे चीज़ डिस्कस करने जाएंगे वो हम आपसे डिस्कस करने जाएंगे खास डिवाइस जो आपके लिए कहलाती है कैपेसिटर। और कैपेसिटर अनदर मार्केट नेम इज़ द कंडेंसर। आप मुझे बताएं आप में से किसी ने कंडेंसर का नाम सुना है क्या कभी? यस सर। कहाँ सुना बताओ जरा? सर फैन में, इन कूलर आल्सो। सही कह रहे हैं, फैंस में, कूलर्स में। चलो सबसे फैन तो चलो ऊपर लगा होता है, देखा हो नहीं देखा हो पता नहीं, कूलर का देखा होगा। कूलर में जहाँ आपका कूलर का फैन चल रहा होता है उसके पीछे आप देखेंगे एक वाइट कलर का सेल टाइप टेप से चिपकाया गया होता है। अब याद आ जाता है, कई सारे लोगों फैन भी देखोगे तो भी दिख जाएगा। आपके यहाँ पानी वाली मोटर हो उसमें भी आपका ध्यान जाएगा देयर इज़ अ सेल टाइप स्ट्रक्चर। ऑफनली लगभग लगभग ज़्यादातर मोटर्स के साथ जो इस टाइप की हैं उनके साथ आप एक कंडेंसर इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली कंडेंसर या कैपेसिटर होते क्या है? कैपेसिटर या कंडेंसर ध्यान देखना एक ऐसी डिवाइस होती है विच इज़ यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कंसेप्ट बेसिक ये है कि एक्चुअली ये चार्ज स्टोर नहीं करता, ये क्या है स्टोर करता है, दैट स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हालांकि करता है, बता दें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से ही है, चार्ज के आने और जाने से। तो आपको अंदाज़ है पोटेंशियल एनर्जी मैंने पढ़ाई है, चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। कैपेसिटर्स का कंसेप्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है जब आप पढ़ रहे थे कैपेसिटेंस। आपको याद है कैपेसिटेंस या पोटेंशियल हम शुरुआत में पढ़ रहे थे, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, मैं याद दिलाता हूँ, जो लोग क्लास लगातार ले रहे हैं उन्हें याद आ जाएगा। मैंने उनसे पूछा था एक बकेट है, मैं इसमें 2 लीटर पानी डालता हूँ और 2 लीटर मोर 2 लीटर्स एंड मोर 2 लीटर्स द लेवल और द पोटेंशियल विल गो ऑन इंक्रीजिंग। दैट इज़ अ ट्रूथ बट नॉट इनफाइनाइटली, क्योंकि आप कहते थे देयर विल बी अ सर्टेन कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ द बकेट आफ्टर विच द वाटर विल गेट फेल डाउन। उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपका कहानी स्टॉप पे आ जाएगी। यही चीज़ मैंने कहा था इन केस ऑफ ए चार्जिंग ऑफ ए नॉर्मल कंडक्टर। आप किसी कंडक्टर को चार्ज कर रहे हैं तो क्या होगा, 2 कूलॉम 4 कूलॉम 6 8, बट देयर इज़ ए सर्टेन कैपेसिटेंस और द स्टोरिंग एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ द कंडक्टर ये कॉन्स्टेंट होगा। लेकिन यहाँ से आपने ध्यान दिया, यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है, इफ़ अ बकेट कैन स्टोर सम वाटर, इफ़ द बकेट हैज़ और अ वेसल और अ कंटेनर हैज़ अ कैपेबिलिटी टू स्टोर द वाटर, इफ़ इट हैज़ अ कैपेसिटेंस, तो हम इमरजेंसी टाइम के लिए एक लार्ज साइज वेसल बना सकते हैं जो आपके लिए पानी की टंकी कहलाता है, जो आप छतों पर रखते हैं। ध्यान दिया, इसमें आप क्या करते हैं, वैन देयर इज़ एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर आप इसको फिलअप कर लेते हैं, जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप इससे उतनी उतना पानी ले सकते हैं। तो एक्चुअली जो वाटर स्टोरेज के लिए आप एक लार्ज साइज बकेट बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड वाटर टैंक, एंड इन द सिमिलर मैनर वी हैव द कैपेसिटर और कंडेंसर। यू कैन से कंडेंसर कैन बी यूज्ड एज द चार्ज टैंक और द पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी टैंक फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। अब कैसे इसको यूज़ करेंगे और क्या प्रिंसिपल होगा,
तो ये समझ में आएगा। तो कैपेसिटर की पहली बात तो समझ में आई, कैपेसिटर क्या होगा, एक ऐसी डिवाइस होगी विच इज़ यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर इसके लिए हम सिंपल से फैक्ट लिखना चाहें तो आप क्या बता सकते हैं, डिवाइस फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। चलो इसको हटाओ, इसकी क्या जरूरत है अब, है ना। तो अभी शॉर्ट में हम इसको लिख देते हैं, डिवाइस फॉर स्टोरिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे मैंने कहा था पानी आप इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसे आप जो है आप कैपेसिटर इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए। दूसरी बात ध्यान रखना, किसी भी कैपेसिटर की डेफिनेशन में बेसिक कंसेप्ट ये होगा, डिवाइस इन विच कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड मैनी टाइम्स। और अभी इस पर मैं चर्चा करूंगा, हालांकि इनडायरेक्टली मैंने आपको बता दिया है, सॉरी, इज इंक्रीज्ड, इज इंक्रीज्ड मैनी टाइम्स। Without significant increase in size or area। ठीक, एक काम करें, पहले आप इतना लिख दें, लिख दोगे तो स्वाद क्या है, मैं इसमें हाथ पैर चलाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दो छोटी छोटी बात लिख दें, कैपेसिटर क्या है, डिवाइस फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड डिवाइस इन विच कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड मैनी टाइम्स विदाउट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन साइज और एरिया। आराम से इतना लिख दें, फिर हम आगे जाएंगे। लिख दिया इतना, बढ़िया। अब सवाल है, पहला तो पार्ट समझ में आ गया था, मैंने कहा था जैसे वाटर टैंक आप लेते हैं उसी तरह से आप फॉर द स्टोरेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके एक बड़ा सा कंडक्टर बना देंगे, टैंक कह रहा हूँ, चार्ज टैंक बना दिया, ये हो गया कैपेसिटर, ये तो एक जनरल आइडिया हो गया। यहाँ पर एक कंस्टेंट ध्यान देखना, क्या आपने ध्यान दिया, 5 लीटर बकेट, 10 लीटर बकेट, 20 लीटर बकेट एंड 500 लीटर टैंक, सबने देखा है, सीधा थंब रूल चलता है, कोई गणित नहीं लगनी, क्या सिंपल से बात करेंगे, जितना ज़्यादा कैपेबिलिटी चाहिए दैट मच लार्जर साइज ऑफ द टैंक मस्ट बी देयर। बट ध्यान देखना, ये अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी में प्रैक्टिकल उतना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक छोटी चीज़ सोचो, अभी मैंने आपसे पूछा था आपने कैपेसिटर देखे, आपने कहा था फ़ैन में, आपने ध्यान दिया फ़ैन का जो बॉक्स होता है, फ़ैन के बॉक्स की साइज़ लगभग इतनी होती है, लंबाई चौड़ाई इतनी हाइट का होता है ना फ़ैन का बॉक्स, फ़ैन तो देखे आते हुए, अगर आपका सीलिंग फ़ैन इस डब्बे के अंदर कैद होकर आ जाता है, अगर कैपेसिटर मान के चलो कोई कंपनी कहती बोले हम एक स्टैंडर्ड अच्छा कैपेसिटर लगाएंगे एकदम कंपनी का ब्रांडेड, तो ध्यान जाता है एक बड़ी दिक्कत आती, हम लोग एक पंखा तो जो है बेचारा स्कूटर पे ले आते आगे स्कूटी में रख के, और कंडेंसर एक अच्छा हैवी कंडेंसर वो पीछे से कहीं लोडिंग ऑटो में आ रहा होता, तो इसलिए यहाँ पर एक चीज़ आएगी कैपेसिटर में, जहाँ आप कह रहे हैं चार्ज टैंक है, यू हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस, लेकिन एक शर्त है, वाटर टैंक सरीका देसी नहीं चलना है, 5 लीटर 10 लीटर, 5 फेरेड 10 फेरेड 20 फेरेड एंड 500 फेरेड, वी रिक्वायर द ग्रेटर कैपेसिटेंस, बट, और बट क्या कह रहा हूँ, बट मैंने कहा है विदाउट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन साइज और एरिया। साइज और एरिया में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क हमें नहीं चाहिए, ये हमारी सीधी सी कहानी है, क्या ये क्लियर होता है। अब सवाल आता है ऐसा आप कैसे कर पाएंगे, ऐसा करने के लिए जब आप जाएंगे, जब आपको विदाउट सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट बिना साइज और एरिया बढ़ाए अगर आपको बढ़ाना है, मैंने कहा क्या चीज़, कैपेसिटेंस, तो फिर आप ये कैसे बढ़ाएंगे, तो ये बढ़ाने के लिए ध्यान देखना हम पहले ये देखेंगे कि आखिरकार कैपेसिटेंस कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करेगी। तो एक सिंबल हेडिंग डालिएगा और आप डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस, एक बहुत सिंबल हेडिंग डाल दीजिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। ठीक,
फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस में जो आप जा रहे हैं, सबसे पहला फैक्टर जो मैं आपसे बताता हूँ, पहले तो एक चीज़ ध्यान से देखो, एक छोटी सी बात पहले याद दिलाऊँ कि आपको ऐसा याद है हमने पढ़ा हुआ था सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। आपको ऐसा ध्यान है कैपेसिटेंस और पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मैथमेटिकल दिखाता जाता हूँ फिर कंसेप्चुअल भी चलूँगा। और पोटेंशियल के फैक्टर्स अफेक्टिंग हमने लास्ट टर्न पर डिस्कस किए थे, फिर याद दिलाता हूँ। नंबर वन तो मैंने लिया था अमाउंट ऑफ चार्ज, तो चार्ज तो यहाँ अपने को देना नहीं है, हम केवल कैपेसिटेंस देख रहे हैं। तो पोटेंशियल चार्ज पर डिपेंड करता था, एक मिनट के लिए उसको छोड़ें, पोटेंशियल डिपेंड करता था आपको याद है एरिया ऑफ द कंडक्टर पे। मैंने कहा था जितना लार्ज साइज्ड आप कंडक्टर लेंगे उतना ही पोटेंशियल कम होगा। और अगर हम आपसे बात करें, ध्यान देखना, अगर मैं आपसे कहता हूँ एरिया बढ़ाओगे तो आपने पढ़ा था पोटेंशियल कम होता जाता है, ये आप पढ़ चुके हैं। क्या आपने ध्यान दिया है सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, अगेन आई एम रिपीटिंग द कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर मैथमेटिकली, दैट्स वाई ऑन डिक्रीजिंग द पोटेंशियल, अगर आप पोटेंशियल डिक्रीज कर रहे हैं तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा इस केस में कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। तो ये पहला फैक्टर जो हमें मिल जाता है ध्यान देखना, वो आता है चाहे आप एरिया लिख दें और चाहे सरफेस एरिया ऑफ कंडक्टर लिख देंगे। और सरफेस एरिया ऑफ कंडक्टर में पहला फैक्टर बताता है कि अगर आप एरिया इंक्रीज करेंगे तो आपकी कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होती है। और ध्यान देखो ये तो वाटर टैंक वाले मामला है यार, जितना एरिया बढ़ाते जाओगे कैपेबिलिटी या कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी। तो पहला फैक्टर लिख दो एरिया ऑफ कंडक्टर, उसमें आप बताइएगा एरिया इंक्रीज कर दें तो आपकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट फैक्टर जब आप बता दें इधर वाला तो फिर मुझे बताइएगा। कुछ खास नहीं, ऐसे एरो बना दो समझ में आ जाते हैं, एरिया इंक्रीज करोगे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। जब लिखने वाली कहीं बारी आएगी तो हम ऐसे लिख देंगे ऑन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कंडक्टर इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, इतना तो तुम लैंग्वेज लिख ही सकते हो, है ना। अब दूसरा याद दिलाता हूँ, जरा दूसरा फैक्टर याद करें पोटेंशियल का। मैंने क्या कहा, अभी हम उस टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो आप पढ़ चुके हैं पोटेंशियल का। दूसरा मैंने कहा था इफ़ अनदर कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर बाई या चार्ज्ड कंडक्टर, और फिर याद दिलाता हूँ अगर आपने कोई पॉजिटिव कंडक्टर है आपके पास ए, और ये चीज़ हम दो तीन बार पढ़ चुके हैं इन दोनों चैप्टर्स में, अगर आप कोई कंडक्टर ए प्लेस करेंगे नियर बाय कंडक्टर बी प्लेस करेंगे नियर बाई या चार्ज कंडक्टर, तो फिर आपको रिपीट करता हूँ मैंने कहा था आ कंडक्टिंग प्लेट अ मेटल और कंडक्टर कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से नहीं आते, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल इट्सेल्फ, खुद के मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब जिन एटम्स से आयन जी इलेक्ट्रॉन फ्री हुए होंगे वो एटम्स पॉजिटिव आयन्स में कन्वर्ट हो गए होंगे। अगर और डिटेल में बात की जाए तो आपको ये समझ में आएगा आ मेटलिक कंडक्टर कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज सिमिलर नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स ऑल्सो, और इसीलिए आपको फिर फर्स्ट चैप्टर में चले जाए चाहे पोटेंशियल वाले टॉपिक में जो हम पढ़ रहे थे उसमें चले जाए, अगर आपके इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन्स दोनों मौजूद हैं सो दिस पॉजिटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आपके इस फेस पर डिपॉजिट होते हैं, पॉजिटिव आयन रिपेल होंगे सो दीज विल गेट डिपॉजिटेड ऑन द अपोजिट फेज। रिजल्ट मैंने कहा क्या क्या कहा था, रिजल्ट मैंने आपसे कहा था कि इस किसी पॉइंट पर, ये आपको याद था पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता था एंड द पोटेंशियल ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव, दैट्स वाई ऑन दिस पॉइंट प्रीवियस कंडीशन में क्या था देयर वॉज ओनली पॉजिटिव पोटेंशियल, बट नाउ इन दिस केस देयर इज सम पॉजिटिव पोटेंशियल एज वेल एज सम नेगेटिव पोटेंशियल ऑल्सो ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज, इसका मतलब यहाँ पर नेट पोटेंशियल क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। रिपीट करने के लिए मैंने कहा अपना रजिस्टर या कॉपी पलटिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल में आपको ये मिल जाएगा। अभी हम यहाँ क्या कह सकते हैं, अगर पोटेंशियल कम होगा तो आपने ध्यान नहीं दिया कैपेसिटेंस आपकी इंक्रीज हो जाएगी, यानी अगर एक और कंडक्टर आप प्लेस कर देते हैं तो मैं पूरी बात कर देता हूँ पोटेंशियल डिक्रीज होगा। दैट्स वाई अब आज का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, आज की नई बात क्या बताएंगे, वो आधा सेंटेंस है और आधा सेंटेंस भी क्या तीन शब्द, ये तो पूरा पुराना था, दस कैपेसिटेंस इंक्रीज है,
यहाँ तक तो लिखा ही हुआ है ना, पोटेंशियल डिक्रीज इन दिस केस, उसके आगे क्या ऐड करते हैं, दस द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। तो एक काम करो, इसको मैं डिटेल में बोल देता हूँ, लिख दें आराम से। एक सेकंड फैक्टर लिखिएगा, प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर, आराम से लिख दें, दो तीन लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम काफ़ी लिखते हुए जाएंगे। क्या आप लिख देंगे, प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर, और प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर के लिए सबसे पहले एक काम करें, जो काम आपको करना है वो ये करना है कि आप बनाएंगे एक फिगर। ये वही वाला है जो आप चेक कीजिएगा जाके, जो आपने कहाँ बना रखा है, पोटेंशियल वाले टॉपिक में, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल के लिए। तो मजे से एक फिगर बनाएं। और मेरे साथ साथ ही बनाते जाइएगा, क्योंकि अब तो आपको ये फिगर मालूम ही है। दिख रहा है सभी को फिगर क्लियरली? यस सर। ठीक है, बना दें आराम से। बेहतर है, ज़्यादा बेहतर फील है। बना दिया, ओके। वही पुराने सेंटेंस लिखने हैं, कन्वीनियंस के लिए मैं लिखता भी जाता हूँ, बोलता भी जाता हूँ। जिन्हें आवाज़ क्लियर आ रही हो वो बोलने से लिखते आना, बाकी नहीं तो फिर जिन्हें बेचारों नहीं सुनाई दे रहा हो तो इससे लड़ेंगे ही, है ना। आए एक मिनट में ले लेते हैं हम इसको मजे से। ये आपसे कहता है इफ़, चलें यहीं से लिख देता हूँ, अनदर कंडक्टर, If another conductor B is placed nearby a charged conductor A, और जिनको लिखने का लिख रहे हैं उनको याद दिलाऊं, this sentence, these sentences are completely as it is written इन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोटेंशियल। ये फिगर और ये तीन सेंटेंस एज इट इज लिखें। आज तो हम इसमें केवल तीन शब्द बढ़ाएंगे लास्ट के। लिख दें, इफ अनदर कंडक्टर बी इज प्लेस्ड नियर बाई अ चार्ज कंडक्टर ए, देन अपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस्ड on its faces, then opposite charges are induced on its faces, hence the potential of system decreases. पोटेंशियल ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज। तो यहाँ तक तो मैं आप बताऊँ, यहाँ तक तो आपको वैसे ही ध्यान आ गया होगा, ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक, ऐड क्या करूँगा ये बता देता हूँ बस, लेकिन मजे से किसी को दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा। चलते जाए, इफ अनदर कंडक्टर बी इज प्लेस नियर बाई ए चार्ज कंडक्टर ए, देन अपोजिट चार्जेज आर इंड्यूस्ड ऑन इट्स फेसेज, हेंस द पोटेंशियल ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज। कर दिया बस। तो मैंने कहा था अब आज का क्या है, ये तो पुराना पीछे से कॉपी पेस्ट है, आज का इतना सा है, उसमें येलो कलर में लिख देता हूँ, उसे दिखने भी लगेगा। आप बताएंगे दस दस द कैपेसिटेंस इनक्रीजेज इनक्रीजेज, हो गया खत्म, दस दी कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। ओके, बात तीन शब्द क्या लिखने हैं, तो वैसे ही लिख दो यार। अब किसी को ऐसा याद है पोटेंशियल के फैक्टर्स अफेक्टिंग में, पहला चार्ज था, दूसरा एरिया था, तीसरा आपका प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर था, पोटेंशियल का चौथा फैक्टर कौन सा था, किसी को याद हो तो याद करके बताओ। डाइलेक्ट्रिक। वाह, वेरी गुड,
वो था डायलैक्ट्रिक मीडियम। आप बिल्कुल सही हैं, और हमने कहा था कि आपका जो वी डैश है नया पोटेंशियल हो जाएगा, दैट विल बिकम वी बाई के, वेयर के इज़ द डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अभी छोटे दिमाग का इस्तेमाल करो, वी बाई के, अगर यहाँ वी की जगह आप वी बाई के रखेंगे तो ध्यान दिया है, के नहीं आया समझ में, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ डिवाइड बाई टू होगा तो एक्चुअली हो जाएगा टू टाइम्स। तो इसलिए चौथा फैक्टर लिख दीजिएगा डायलैक्ट्रिक मीडियम, फोर्थ फैक्टर लिख देंगे डायलैक्ट्रिक मीडियम, फैक्टर नंबर फोर्थ डायलैक्ट्रिक मीडियम लिख दिया सभी ने, और एक लाइन लिख देना इसमें आप लिख दीजिए, ऐसा लिख दो, इन प्रेजेंस ऑफ ए डायलैक्ट्रिक मीडियम, लिख दे मजे से, लिखता तो मैं इसलिए यहाँ जाता हूँ ताकि किसी को वॉयस सही नहीं आ रही हो तो वो यहाँ से देख ले, इन प्रेजेंस ऑफ डायलैक्ट्रिक मीडियम, द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाई द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाई के टाइम्स, और समझ में आ गया होगा के टाइम्स, क्योंकि पोटेंशियल डिवाइड बाई के हो रहा है तो एक्चुअली अपॉन का अपॉन सीधा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी के से, यानी आप नीचे कह सकते हैं सी डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा के सी, और के सी में ज़्यादा हो तो और एक लाइन बता दो, वेयर, वैसे तो तुम्हें मालूम ही है वेयर क्या है, के इज, के क्या कहलाता है, अरे किसी को के नहीं मालूम क्या, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब आप बिल्कुल सही हैं, तो यहाँ बता देंगे वेयर के इज, सही है, आराम से दिखा दें, बढ़िया मजेदार, ठीक, डायलैक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय के टाइम्स, सी डैश इज इक्वल्स टू सी के या के सी, और वेयर के इज डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। बढ़िया, मोबाइल पे भी अच्छा चल रहा है, ये मुझे सामने देखने आ रहा है ना, देखता हुआ जा रहा हूँ कि तुम ठीक ठाक दिखाई दे रहा हूँ कि मैंने, बढ़िया। चल ये फैक्टर्स अफेक्टिंग समझ में आ गए तो ध्यान देखना, तीन फैक्टर्स अफेक्टिंग हमने इस्तेमाल किए हैं, और तीन फैक्टर्स अफेक्टिंग अगर हमने इस्तेमाल किए हैं तो बस अब इनको हम दोबारा देखते हुए जाते हैं अगली बार के लिए, और अगली बार के लिए आप देखेंगे तो जो हम बात कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग दी कैपेसिटेंस हमें समझ में आ गया, कैपेसिटर की हमें कैपेसिटेंस हमें बढ़ानी कैसे, अभी आपको मालूम है। अब हम जाते हैं कैपेसिटर बनाने पर, अब हम बना ले जाएंगे, अब कैपेसिटर जैसे ही हम बनाएंगे तो सबसे पहला कैपेसिटर जो बनाऊंगा वो तो नाम से समझ में आ जाएगा, सबसे पहले आज का टॉपिक हम लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसके साथ एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात ये है कि तुम्हारे पेपर में आता है बस, और क्या इससे अच्छी बात क्या होगी, अच्छी बात में उसमें क्या होना है। आज की हम चर्चा करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है पहले यहाँ देखिएगा फिर समझेंगे, आओ देखो ध्यान से, इधर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये है कि आपको एक चार्ज स्टोर करने के लिए एक प्लेट मिली, ये मैंने मान ली प्लेट ए, और मोटी मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको साफ दिखे, इसको मैं दूंगा चार्ज, और चलो तुम्हें दिखती रहे इसलिए मैंने इसको ऐसा कर दिया। सपोज करें मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज किया है फॉर एन एग्जाम्पल, और हम ले लेते हैं इस पर हमारा चार्ज कितना है पॉजिटिव, ठीक। जब पॉजिटिव चार्ज आया तो नॉर्मल है इस कंडक्टर की एक पर्टिकुलर कैपेसिटेंस होगी, लेट इट बी समथिंग कुछ ही मान लो 5 फैराड फॉर एन एग्जाम्पल, 5 फैराड यानी बहुत कम दिख रहा होगा, 5 ही रखा है, 6, 7, 8, 10, 20 ऐसा कुछ चाहिए, तो फिर अपने फैक्टर्स इस्तेमाल करो। आपने जो कैपेसिटेंस इंक्रीज करने का पहला फैक्टर लिखा है वो आपने लिखा है एरिया, लेकिन एरिया नहीं लेंगे, एरिया तो देसी धमाका है, वो तो वही प्रिंसिपल है कि ज़्यादा पानी स्टोर करना है तो बड़ा बर्तन लाओ। अपना प्रश्न ये, अपना दिमागी इस बात में लगना है कि बर्तन उतना ही रहना चाहिए, द साइज ऑफ द कंटेनर मस्ट बी सेम, लेकिन पानी 5 के बजाय 50 लीटर आ जाए, अब फिजिक्स लगेगी, इसमें क्या था 5 के बजाय इतना बड़ा कंडो तो वैसे ही आ जाएगी, तो
शीट नहीं बढ़ानी, एरिया छोड़ दें, एरिया की बात नहीं करेंगे। इसलिए कैपेसिटर की डेफिनेशन में मैंने कह दिया था, डिवाइस यू हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस बट विदाउट एनी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एरिया और द साइज। तो फिर साइज और एरिया बिना इंक्रीज करे कैसे करें? इस प्लेट से 2 से 3 mm, और जिन्हें मालूम है 2-3 mm इतने होते हैं, बट अभी हम यहाँ 2-3 mm को थोड़ा फैला के दिखाएंगे, तो उसमें ये मत कहिएगा ये ज़्यादा है, वो मैं इसलिए दिखाऊंगा ताकि आपको अलग अलग प्लेट्स नज़र आए, प्रिंसिपल समझ में आए। इसलिए मैं दूसरी प्लेट मैं यहाँ बना रहा हूँ, एक्चुअली ये प्लेट यहाँ नहीं होती है। ये बीच का गैप कितना होता है समझ में आ रहा है? इसलिए तो समझ में आएगा, एक प्लेट जहाँ खड़ी है 2 mm उसकी साइज़ बढ़ गई, तो 2 mm और 3 mm इंक्रीज इन द साइज इज एक्चुअली नॉट एन इंक्रीज, ये इंक्रीमेंट है ही नहीं। तो हमने क्या किया, 2 या 3 mm पे एक प्लेट रख दी, और चूंकि आगे हम डेरिवेशन भी करेंगे इसलिए हमने मान लिया ये मैंने कितना डिस्टेंस ले लिया, लेट दिस डिस्टेंस बी डी। ओके, अब क्या होगा, जो आप अगला फैक्टर पढ़ रहे थे वो यही था, प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर, समझ में आ गया होगा, एरिया छोड़ा था तो ये आ गया। जैसे ही आएगा इस पॉजिटिव के अगेंस्ट आपके चार्जेस डेवलप होंगे माइनस 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 और माइनस। अच्छा, अपोजिट फेस पे डेवलप होंगे पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव। अब इससे क्या होगा, आपको मालूम है यहाँ जो बीच का कोई सा भी आप पॉइंट लेंगे, जैसे आपने कोई भी पॉइंट सपोज किया, व्हाट विल हैपन ऑन दिस पॉइंट, डेफिनेटली व्हेन यू आर चार्जिंग इट द पॉजिटिव चार्ज विल बी देयर ड्यू टू द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, एज वी हैव एक्सप्लेन्ड मैनी टाइम्स, देयर विल बी द नेगेटिव चार्ज ऑन दिस फेस। तो यहाँ आपका पोटेंशियल थोड़ा सा कम होगा। अच्छा, नेगेटिव वाला ध्यान देखना, इसका पोटेंशियल कम करेगा, इट इज़ पॉजिटिव 10, ये नेगेटिव पोटेंशियल को थोड़ा कम करेगा, -2 -3 -4। लेकिन एक गड़बड़ भी है, पर्दे के पीछे ध्यान से देखो, ये एक गड़बड़ भी है, ये पॉजिटिव वाला पोटेंशियल बढ़ाएगा, और अगर पोटेंशियल बढ़ा तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। तो ये तो अच्छा चार्ज है, बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, दैट्स वाई इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस। बट अपने को ये वाला दिक्कत दे रहा है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इट विल ट्राई और टेंड टू इंक्रीज द पोटेंशियल, हेंस इट विल डिक्रीज द कैपेसिटेंस। तो इसका क्या करें, चलो इसको एक काम करते हैं, इसको अपन जो है मिटा देते हैं। मिटाओगे कैसे यार, चार्ज मिटाने के लिए रबर कहाँ आती है, किसी को आइडिया है कैसे मिटाऊंगा? किसी वायर को कनेक्ट कर देना। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, जब इंडक्शन पढ़ रहे थे तब ये पढ़ा था हमने। अब आप बिल्कुल सही हैं, इसलिए मिटाने के लिए रबर नहीं इस्तेमाल करेंगे, मिटाने के लिए ध्यान देखना कितने लोगों को ये 6वीं 7वीं क्लास का ये सिंबल याद आ गया, आया किसी को याद, दिस सिंबल वॉज कॉल्ड अर्थिंग। बिल्कुल सही है आप, अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहलाता था। आप दिख रहा होगा ये पॉजिटिव चार्ज मैंने रब नहीं किया, मिटाया नहीं है, ये ग्राउंडिंग कर दी है। ये आपका हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर हो गया है बिकॉज यू हैव इंक्रीज्ड द कैपेसिटेंस। और लास्ट ये जो बीच का मामला है, इसमें हम कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक भर देंगे, डाइलेक्ट्रिक मतलब मालूम है इंसुलेटिंग मटेरियल, वैक्स, माइका, रबर, पॉलीथीन, वूल, जो भी आपके पास हो आप यहाँ फिलअप कर दीजिएगा, आपकी कैपेसिटेंस 10 times, 20 times, 50 times ऐसी और इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए ये डिवाइस कहलाने लगी कैपेसिटर। ठीक है, अब लास्ट काम और एक बता देता हूँ, जैसे आप ये बनाएंगे वैसे आपको समझ में आएगा यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, और तुम एक चीज़ पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये ध्यान गया होगा इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ये एक पॉइंट हटा दूँ, ये अननेसेसरी है, तो एक काम करें मज़े से आप फिगर बनाएं, फिर मैं आपको बोलता हुआ जाऊंगा, उस कहानी को आप फिर लिखेंगे फुर्ती से, और अब आपको लिखना ही पड़ेगा, बिना लिखे आपका कार्यक्रम नहीं चलेगा। तो एक काम करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड ड्रॉ द डायग्राम इमीडिएटली। और रोज़ की तरह फिर बताऊंगा, मीटिंग एंड हो तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा।
बढ़िया बथुआ अच्छा बनाना फिगर है ना, एकदम वैसा बना देना, मज़ेदार से बनाना। और जिनका नहीं बने वो आराम से बाद में एक बार वीडियो लेक्चर से हम शीट भेज देंगे, उससे बना देना, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव हो गए, अर्थिंग हो गई, प्लेट ए और बी, डिस्टेंस डी, सारी चीज़ें मैंने मार्क कर दी हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, बना दिया, गुड वन, सभी का बन गया लगभग लगभग, मान के चलेंगे। अब एक काम कर दें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने लिया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप पहली चीज़ बता दीजिएगा होता क्या है, तो होता क्या है ध्यान देखना, उसमें बता देना कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स हेल्ड पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। और ये कुछ नहीं है, ये आपके डायग्राम का ही डिस्क्रिप्शन है, ये साफ नज़र आ गया होगा। दो प्लेट्स हैं, पैरेलल रखी हैं, और कैसी रखी हैं, वेरी क्लोज। क्लोज क्या कायदे से, तो वेरी क्लोज, 2 or 3 mm। तो एक लाइन बताइएगा, कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स हेल्ड पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। इतना तो बोलने से लिखते हैं ना, इतना मत देख देख के लिखा करो यार। लिख दिया सभी ने? ठीक, अब आ जाए, अब हम जाएंगे मेन बात पर। और मेन बात क्या है, मेन बात है ये। और अब दोबारा से इसको समझाते जाएंगे, जो एक्सप्लेन किया था वो फिर से आपको मिल जाएगा। इसमें कहा था फिगर पहले बना दो, इसमें आप लिख दीजिएगा ऑन चार्जिंग प्लेट ए बाय प्लस क्यू, चलते चलिएगा ऑन चार्जिंग प्लेट ए बाय प्लस क्यू। सभी को आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, बस लिख दें ऑन चार्जिंग प्लेट, क्या बोल रहे थे, हाँ ऑन चार्जिंग है प्लेट ए बाई प्लस क्यू। और बीच बीच में स्क्रीन देख लेना तो समझ में आएगा मैं वही बोल रहा हूँ, बस फिगर अब गंदा होता जाएगा, है ना। चार्जिंग प्लेट ए बाई प्लस क्यू, यही होगा। और आगे चलिएगा चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर इंड्यूस्ड, चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर इंड्यूस्ड ऑन द अपोजिट फेसेस, आर इंड्यूस्ड ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ प्लेट बी ऑल्सो, फेसेस ऑफ प्लेट बी। और अगर जाओगे तो ये दिख रहा होगा ये हम बिल्कुल कहाँ पर है, यहाँ पर। जैसे पॉजिटिव चार्ज था तो इस पर माइनस प्लस आपके इंड्यूस होंगे, इस तरफ माइनस और एक तरफ प्लस, ये हमने यहीं से शुरुआत की थी समझाने की। और आगे बढ़ें, ठीक है, मीटिंग में टाइम कितना बाकी है, अभी है थोड़ा सा, है ना, चले चले कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। चले हम कहाँ थे, हाँ चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर इंड्यूस्ड ओवर द अपोजिट फेसेस ऑफ बी ऑल्सो। अब इनमें से क्या कह रहा था, माइनस वाला आपका पोटेंशियल कम करेगा और कैपेसिटेंस बढ़ाएगा, तो ये बढ़िया है, इसको अपन रखेंगे। आगे चलें, नीचे बताएंगे चार्ज माइनस क्यू डिक्रीजेस द पोटेंशियल, चार्ज माइनस क्यू डिक्रीजेस द पोटेंशियल एंड इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस, माइनस क्यू डिक्रीजेस द पोटेंशियल एंड इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस। और आगे जाइएगा, बट द चार्ज प्लस क्यू, बट द चार्ज प्लस क्यू टेंड्स टू डिक्रीज द कैपेसिटेंस। किसी को वॉयस सही नहीं आ रही तो मैं रफ में लिखता भी जा रहा हूँ, है ना, बाकी आप सुने सुनते हुए लिखते हैं आराम से, कुछ नहीं। बट द चार्ज प्लस क्यू टेंड्स टू डिक्रीज द कैपेसिटेंस, डज इट इज डिसिपेटेड इन अर्थ,
दस इट इज़ डिसिपेटेड इन अर्थ। और आ जाओ वापस फिगर पर, लिख दिया क्या था, चार्ज माइनस क्यू डिक्रीजेज द पोटेंशियल इंक्रीज कैपेसिटेंस, इसको रखोगे लेकिन क्या कहा था, चार्ज प्लस क्यू पोटेंशियल बढ़ाएगा कैपेसिटेंस कम करेगा, इसको हटाओ, ऐसे थोड़ी हटा दोगे, पेन उठा के हटा दिया, कैसे हटाओगे, इट इज़ डिसिपेटेड, विसर्जित कर देंगे आप कहाँ, इन दी अर्थ, दैट्स ऑल। क्या ये क्लियर हो गया, हाँ या ना, कोई समस्या कहीं से कहीं तक, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब लास्ट काम ये होगा, ध्यान देखना, जो मैंने फिगर में लास्ट चीज़ ली थी वो मैंने क्या कहा था, प्लस और माइनस दोनों प्लेटें हैं, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, तो नीचे आएगा एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सेटअप। अब आ जाते हैं असली काम पर, अब डेरिवेशन स्टार्ट होने लगेंगे और आप बताएंगे एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सेटअप बिटवीन द प्लेट्स ड्यू टू दी चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सेटअप बिटवीन प्लेट्स ड्यू टू दी चार्जेस डैश ई इज इक्वल्स टू। अब फंसे, सवाल आता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ध्यान से इधर देखो। अब मैंने कहा था अब आप फंसे हो सही जगह, जो फिजिक्स की मोड़ कहलाते हैं, पिछले पढ़ा है कि नहीं, क्या ऐसा याद है, गॉस थ्योरम के जस्ट बाद हमने तीन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए, लाइन चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज और स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर की हम पिछले दिनों कई बार लेते रहे, आज बारी है शीट की, तो मैं शीट में याद आएगा हमने सिंगल शीट का भी डिस्कस किया और दो शीट्स का भी डिस्कस किया है, मैं याद दिला देता हूँ क्योंकि हम डायरेक्ट लेंगे, याद ज़रूर दिला दूंगा, दो शीट्स का जब प्लस माइनस लोगे, यहाँ जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, आओ याद दिला देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी पॉजिटिव वाले की अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव वाले की टुवार्ड्स द चार्ज, तो दोनों आपकी हो जाएंगी E1 प्लस E2, और E1 प्लस E2 मैं याद दिलाऊँ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये मत पूछना ये कहाँ से आया, क्योंकि था दो प्लेट्स हमने जो है लास्ट चैप्टर में जो है मैंने कहा उसमें चले आना गॉस थ्योरम बाद, ये आपको टॉपिक मिल जाएगा, तो दो मिनट मैंने इसलिए रिकॉल कर दिया है कि आपको याद आ जाए। मैंने कहा था इस पॉइंट पर जो आपकी इंटेंसिटीज आएंगी पॉजिटिव की कहाँ आएगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव की कहाँ आती है टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। सिंगल प्लेट का आपका आता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी सिग्मा, तो हाफ एंड हाफ टोटल कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या ये ध्यान आ जाता है। और जिसे ये नहीं याद आए उसे मैं याद दिलाता हूँ, कंडक्टिंग प्लेट, अकेली कंडक्टिंग प्लेट हो, स्फेरिकल शेल की याद करो, सरफेस पे कितना आता था, यही आता था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि भले ही स्फेरिकल शेल हो कर्व्ड हो पर है तो पट्टी, है तो प्लेट ही, चाहे प्लेट सीधी हो और चाहे प्लेट कर्व फॉर्म में हो गई हो, तो इसलिए मैंने कहा दोनों जगह से आप कहीं से भी अपनी याददाश्त वापस ला सकते हैं। तो आए मैं अपनी जगह पर बढ़ता हूँ। अब एक बात, हम लोग कहाँ थे, यस हम बात कर रहे थे दोनों के बीच में आपके एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, और मैंने यहाँ लिख दिया ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जिन्हें दिक्कत है ये पेपर में नहीं लिखना है, जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ तो तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, और मैंने क्या लिख दिया रेफर टू, मैंने किसी को शंका हो गई कहाँ से आ गई, तो मैंने कहा रेफर टू गॉस थ्योरम पे आप चले आएंगे, आ जाए एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप बिटवीन प्लेट्स, दिखा दीजिएगा ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ठीक, बढ़िया। और इसके बाद आप दिखा देंगे जब ई मिल गया। अब एक चीज़ वापस याद दिलाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल दी, आप निकालना क्या चाह रहे हैं, आप निकालना चाह रहे हैं कैपेसिटेंस, कि आपको ऐसा ध्यान है कैपेसिटेंस तब निकलेगी जब आप निकालेंगे क्यू अपॉन वी, और बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना जनरली समझ में आ जाएगा,
कैपेसिटेंस तब निकलेगी व्हेन यू हैव द पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है, वो निकलता है वी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ईडीआर, इसी चैप्टर की कहानी। और पोटेंशियल डिफरेंस कब मिलेगा, जब आपके पास हो ई, और ई हमारे पास है, वो हमने याद दिला दी। तो ध्यान से देखो, हमारा डेरिवेशन इसके रिवर्स प्रोसेस में जाएगा। किस रिवर्स प्रोसेस में जाएगा, मैंने कहा मेरे पास जो है ई है, ई की हेल्प से मैं निकालूंगा पोटेंशियल डिफरेंस इंटीग्रेट करके। जब पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा तो फिर हम कहाँ चले जाएंगे, कैपेसिटेंस पर। और याद करो, स्फेरिकल कंडक्टर में भी ऐसे ही निकाला था, पहले आपने लिखी थी ई क्यू अपॉन 4π ε₀ r², फिर पोटेंशियल निकाला था इंटीग्रेट करके। जब पोटेंशियल निकल गया था तब हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया था। तो मैंने कहा पढ़ते रहो, कई चीज़ें समझ में आती हैं प्रैक्टिस से, ठीक है ना, क्योंकि उनका याद होना रटना नहीं हो सकता, रटना फिजिक्स में बहुत मुश्किल पड़ जाता है। आए तो हम आगे बढ़ते हैं, हम तो कहाँ थे, हमने E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाल लिया था। अब हम जाते हैं अगले स्टेप पे, हेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। चलते जाए मेरे साथ साथ ही चलते आइएगा, बीच बीच में मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा कहाँ पहुँचेंगे। हेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, और प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ EDR प्लेट बी से लेके प्लेट ए तक। चिक, ये तो फॉर्मूला ही है पोटेंशियल डिफरेंस का, चलो थोड़ा सा लंबा कर देते हैं तुम्हारे लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन लिख दी, हेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, नीचे दिखाईगा वी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ EDR। आप ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन ई, ई अपने को मालूम ही है, वो हमने कहा था रेफर टू गॉस थ्योरम, आप कर ही लाए। डी आर क्या ध्यान जा रहा है, आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। मैं रिपीट करूंगा, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ये डिफरेंस है। फिजिक्स मैथमेटिक्स से भी एक स्टेप हार्डर क्यों हो जाती है, कि अगर हम दिमाग नहीं चला रहे, मैथमेटिक्स में आपको जो क्वेश्चन देंगे उसमें लिमिट लिखी होगी, यहाँ हमें खुद लिमिट लेनी है। तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। और डिस्टेंस ज़रा देखो, डिस्टेंस दिख रहा होगा ये रहा, कहाँ से कहाँ तक जाना है, प्लेट बी से प्लेट ए तक जाना है। सपोज़ करो ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, लेट इट बी 10 सेंटीमीटर। क्या आपने ध्यान दिया है, आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, आप जाएंगे टेन सेंटीमीटर, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तभी तो उस प्लेट पे पहुंचोगे। यानी तुम्हारी लिमिट क्या होगी, 10 सेंटीमीटर से लेके 0 सेंटीमीटर तक। और जो आप 10 टू 0 कह रहे हैं उसको मैं 10 टू 0 नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा, देखें लिमिट समझ में आ जाती है, पॉइंट बी से आप प्लेट ए की तरफ जा रहे हैं, डिस्टेंस कितना लिमिट है, कहाँ से कहाँ तक लेना है, डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, जो मैंने कहा 10, 9, 8, 7, 5 है, जो भी ले लो 5, 4, 3, 2, 1, 0, इस डिस्टेंस से लेके इस डिस्टेंस तक का आपको कैलकुलेट करना है। कर दें आराम से अगला स्टेप, बस इंटीग्रेशन तो एक मिनट से भी कम का है। इस लाइन पर कोई डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं, बोले बस बढ़िया हो गया। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, कांस्टेंट है, ये हो गया माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रल डी एक्स याद होगा एक्स होता था, तो डी आर का हो जाएगा आपका आर। चलो और आराम से कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, लिमिट्स है डी टू जीरो रख दो मजे से, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक बार रखिएगा, वैसे तो डायरेक्ट ही के चल छोड़ लग रख दो, आर की जगह रखो अपर लिमिट, आर की जगह रखो लोअर लिमिट, ठीक, अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते यार, माइनस डी रहेगा, कुल मिला के आपका वी माइनस माइनस ख़त्म, यानी आपको मिलेगा सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ जाए दो लाइन और मजे से चले, हो जाएगा टोटल, ठीक। पोटेंशियल दिखा दें, लिमिट्स रखते हुए इंटीग्रेट कर दें, कर दिया, बढ़िया। अब लास्ट कहानी जो मैं कह रहा था, करना क्या है अपने को ये करना था, देखो ध्यान से, ई निकाली, ई से हमने पोटेंशियल निकाल लिया, पोटेंशियल पे रुकेंगे नहीं क्योंकि अब पोटेंशियल नहीं पढ़ रहे,
अभी और आगे जाने का है, वी हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। सो जस्ट एड वन लाइन, नीचे बताएंगे दस दी कैपेसिटेंस, आ जाए नीचे। पोटेंशियल तक हमने मेजर स्टेप कर लिया 99%, नीचे हम जाएंगे दस द कैपेसिटेंस, सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, और सी जी चलो और थोड़ा नीचे ले लेते हैं, सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, वी बोलें तो सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक छोटी सी बात ज़रा बताओ, किसी को याद है सिग्मा क्या होता था, जल्दी से बताना, व्हाट वाज सिग्मा? क्यू अपॉन ए, सही कह रहे हैं, सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी। भी लास्ट टाइम में सवाल भी कर रहे थे इसका, तो लिख नहीं रहे, ठीक है छोड़ तो मालूम है, फिर अपन सीधे चले जाते हैं। कितना हो जाएगा ध्यान देखो, क्यू एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो लेंगे, सिग्मा की जगह हम रखेंगे, और डी बेचारा आपका है ही, और ऐसा करते ही आपको एक सुपर फ़ायदा होगा। सुपर फ़ायदा कहाँ होगा, और एक पतले पेन से ले लेते हैं, और इसका मतलब हमारी कैपेसिटेंस निकल गई, दैट्स ऑल। और कैपेसिटेंस क्या है, सी इज इक्वल्स टू ए ऊपर कर लें, कर दो मजे से, कहीं कोई समस्या नहीं। वाली है क्यू से क्यू कैंसिल करने, यार खुद भी कर सकते हो। हाँ अब एक लास्ट काम और ऐड करेंगे, इसको डाल दीजिएगा नंबर वन। अब तुम कहोगे लास्ट काम क्या रह गया, अरे भाई प्लेट्स के बीच में ध्यान देखो, अभी क्या है एप्सिलॉन के नीचे नॉट दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट बता रहा है कि अभी जो आपका कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के बीच में हमने भर रखी है एयर या फ्री स्पेस। एक काम करते हैं, एक और फैक्टर याद था, डायलैक्ट्रिक मीडियम भर दोगे, अभी कह रहा था रबर वूल और ऐसी कोई चीज़ भर दोगे तो और बेहतर कैपेसिटेंस होगी के टाइम्स, तो इस मौके को भी क्यों छोड़ें, ये इसका भी लाभ उठा लेते हैं। तो एक लास्ट लाइन यहाँ पे लिख दीजिएगा, इफ़ आर डायलैक्ट्रिक मीडियम वैक्स माइका और रबर, और भी हो सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं है, तीन लिख दिए हैं, इफ़ अ डायलैक्ट्रिक मीडियम वैक्स माइका और रबर एटसेट्रा इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स, देन क्या हो जाएगा, याद है के का इंटू हो जाता था, अभी चौथा फैक्टर ये लिखा था सी डैश इज इक्वल्स टू के सी, तो सी डैश इज इक्वल्स टू कितना होगा के सी, यानी ये एक्चुअली हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो मैंने कहा जब ये फ़ायदा मिल रहा है तो इसको क्यों छोड़ें, और बढ़ा लो, ठीक कर दें, डायलैक्ट्रिक मटेरियल या डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस जो भी कहना चाहो, मीडियम मटेरियल वैक्स माइका और रबर एट्सेट्रा इज फिल्ड विद इन द प्लेट्स बिटवीन द प्लेट्स देन सी डैश इज इक्वल्स टू के सी के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और जिसे बिल्कुल ही एकदम परफेक्शन चाहिए वो यहाँ पे एक लाइन पुरानी वाली और लिख देना, और समझ में आ रहा होगा मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, वेयर केस डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मटेरियल या मीडियम, खत्म, मैं इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लिख सकते। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जनरली समझ में आ जाता है, हाँ ना बताएं? Yes, sir. बढ़िया। अब जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझ में आया तो लोगों को एक चीज़ और ध्यान गया, लोगों ने कहा बोले यार क्या होता है, बोले अगर अपन जो है प्लेट को सीधा खड़ा करें, जैसे इस प्लेट को हम ऐसा लें, ऐसे में ध्यान जा रहा होगा, प्लेट ऐसे में काफ़ी स्पेस को कर रही है, इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, आपने घर में कुछ नहीं तो चटाई खड़ी करनी हो तो आदमी क्या करता है, जो गोल करके ऐसा कर लेता है, थोड़ा कम जगह में आ जाती है। अभी ऐसे में किया है तो ये सिलेंड्रिकल हो जाएगा। एक मज़ेदार बात है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, पर सिलेंड्रिकल अपने बोर्ड सिलेबस में नहीं है, मैं चैप्टर के लास्ट में सिलेंड्रिकल की कैपेसिटेंस भी आपके लिए निकाल दूंगा, हालांकि
तीसरा उपाय है इसको हम पूरा ओवरऑल गोल कर दें, और ओवरऑल गोल कर दें मतलब हम बना देंगे इसको स्फेरिकल। तो जो आप पैरेलल प्लेट पढ़ रहे थे उसी का एक और फॉर्म आता है, वो कहलाता है स्फेरिकल कैपेसिटर। सो एक नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, अगली हेडिंग आप डाल देंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। और अब आप चूँकि पूरा प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, अब आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी। एक अगला आप डालेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में स्फेरिकल पे दिमाग मत चलाना। तुम्हारा पैरेलल प्लेट ये दो प्लेट थी, तुम्हें क्या करना था जो मैं अभी कह रहा था, दो प्लेट्स हैं ऐसे में खड़ी करोगे, स्पेस ज़्यादा हो रही है, उनको क्या है घुमा के कर दो, गोल कर दो। और गोल करने का मीनिंग ये है कि अब की बार जो आपकी प्लेट्स होंगी वो ऐसी हो जाएंगी। देखें मैं आपके लिए फिगर बना देता हूँ, आराम से देखिएगा। ठीक, क्या वे समझ में आता है? हमने क्या किया, फिर दो प्लेट्स हैं लेकिन दोनों प्लेट का एक फॉर्म ले लिए स्फेरिकल शेल फॉर्म ली। अब ये जगह कम घेरेंगी और स्पेस कम हुई, क्योंकि कैपेसिटर में हमने कहा ही ये था कैपेसिटेंस इंक्रीज करना बट साइज नहीं, साइज तो जितनी छोटी उतना बढ़िया, जेब में आ जाए सबसे प्रॉपर। अब अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके लिए हम दो चीज़ें मान लेंगे। मैं मान के चलूँगा कि दो स्फीयर हमारे पास, एक ए है और एक बी है। इस वाली की रेडियस मैं मान लूँगा, छोटे वाले की रेडियस ए है तो ए मान लेना, और बाहर वाले का नाम हमने बी रखा है तो उसकी रेडियस आप बी मान लेना। आ जाओ पहले यहाँ तक मज़े से, इतना फिगर बना दो। दो स्फीयर, एक ए और एक बी, ठीक है। अब फिगर बनाना छोड़ दो, फिगर बाद में, दो मिनट बाद बनाना, मैं इकट्ठा करता जाऊंगा, पहले तुम इसकी थ्योरी समझ लो, क्योंकि थ्योरी आप ऑलरेडी पैरेलल प्लेट में कवर कर चुके हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। पहले देखें इसमें है क्या, दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, तो साइड में लिख दीजिएगा कंसिस्ट ऑफ टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। पहली चीज आप बता देंगे कंसिस्ट ऑफ टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, इतना तो खुद ही दिख रहा होगा। और मैंने कहा ये फिजिक्स में जो दिखता है वही लिखते हैं अपन, कंसिस्ट ऑफ टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, मिल गया। अब क्या करना है, जैसे पिछली बार हमने से एक प्लेट को चार्ज करते थे दूसरी को अर्थ रखते थे, इसमें ध्यान देखना, इसमें भी हम एक प्लेट को चार्ज करेंगे और दूसरी को अर्थिंग रखेंगे। तो इस प्लेट को मैं चार्ज करूँगा, इसके चार्जिंग के लिए मैंने ये बाहर कनेक्शन लगा दिया। चलो तुम्हें दिखता रहे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो गया चार्जिंग का। तुम्हें फिगर मत बनाना, तुम भी समझते रहना, फिर मैं यहाँ लिखते जाएंगे, फिर बाद में इकट्ठा बना देना, ठीक है। और क्या करेंगे, जब इसको चार्ज करोगे इस वाले को अर्थिंग करेंगे, तो ये मैंने कर दी अर्थिंग। अब तुम पूछोगे ऐसा क्यों किया है, तो वो भी मैं अभी बताऊंगा, अभी अपना सेंटेंस कंप्लीट करते रहना। आपने लिखा था स्फेरिकल कंसेंट्रिक शेल्स, अब आगे बताइएगा, आगे आप बताएंगे इनर शेल इज चार्ज्ड, आगे बता देंगे इनर शेल इज चार्ज्ड बाई एक्सटर्नल सोर्स, इनर शेल इज चार्ज्ड बाई एक्सटर्नल सोर्स एंड एक्सटर्नल शेल इज अर्थड एंड एक्सटर्नल शेल इज अर्थड। ये भी तो मालूम है, एक प्लेट को चार्ज करना था दूसरी को अर्थिंग करनी थी, वही पुरानी कहानी है। अब ऐसा हमने किया क्यों है ये मैं समझाता हूँ, पहले प्रिंसिपल समझ लें फिर फिगर। गोले वोले तो ऐसा बने हुए, एक मिनट में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो ध्यान से, इधर थोड़ा इसको ऐसा कर दें तो ये बिल्कुल साफ दिखेगा। करेंगे क्या आप, जैसे ही आपने ध्यान देखना, ये जो आपका है
आपने इनर शेल को चार्ज किया, जैसे ही शेल को चार्ज करोगे इस पर आपका आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आपको ऐसा याद है, जैसे ही हमारी अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अभी 2 मिनट पहले हमने पढ़ा है, जैसे ही आपका इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरी ज्वाली पर नेगेटिव चार्ज होगा इनर साइड। और पॉजिटिव चार्ज होगा अपोजिट यानी के आउटर साइड पर। अब फिर एक पिछली बात याद दिलाता हूँ, पहली प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल था, अंतर केवल इतना है, अब ऐसे के बजाय ऐसी हो गई है, काम वही है, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है इट विल प्रोवाइड द नेगेटिव पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल रिड्यूस होगा, द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, इसलिए इसको तो रखना है, लेकिन द पॉजिटिव चार्ज विल टेंड टू इंक्रीज द पोटेंशियल, ये पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा, इसको हटाना है। इसको कैसे हटाओगे, हटाने का तरीका पिछली बार ही समझा दिया था, तभी तो मैंने कहा था एक बार अच्छे से समझो, इसको हटाने का तरीका वही है, एक्चुअली इसको हम बनाएंगे ही नहीं, तुम कहोगे मिटा दिया, हम कहेंगे मिटा नहीं दिया, दैट इज डिसिपेटेड इन अर्थ। ध्यान से देखो क्या तुम्हें समझ में आता है, तुम्हारा फिगर रिपीट हुआ है, केवल शक्ल बदल गई है, बना दे आराम से, फिर कोई डाउट हो तो मुझे पूछिए। बना दें आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और जैसे आप बना देते हैं मुझे बताइएगा, ठीक है। और लोग भी बना लें फुर्ती से, बन गया ठीक है। स्टोरी आपको समझ में आई गई होगी जो थी, अब मैं उसी स्टोरी को दोबारा रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखो। और मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था, जो मैंने कहा था वो मैं याद दिला देता हूँ, मैंने आपसे कहा था ये आपके अपोजिट चार्जेस इंड्यूस होंगे, ये याद था, जैसे आप इसको पॉजिटिवली चार्ज करते हैं इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाते हैं, यहाँ भी वही है, नेगेटिव और यहाँ से पॉजिटिव किया, नेगेटिव और पॉजिटिव जाएंगे, इन नेगेटिव पॉजिटिव के लिए शायद हमने लिखा भी था, या लिखा था या नहीं हमें याद नहीं, क्यों बोल तो मैं रहा था, मैंने यहाँ लिखा था या नहीं, यस बिल्कुल लिखा था, मैं लिखा था चार्ज नेगेटिव की डिक्रीजेज द पोटेंशियल इंक्रीजेज, चार्ज प्लस की डिक्रीज द कैपेसिटेंस, दस इट इज डिसिपेटेड। तो बस वही लिखना है आपको, जो आपने ऊपर लिखा है वही हम दोबारा रिपीट करेंगे, एक मिनट में लिख दें। नीचे आप बताइएगा ऑन चार्जिंग, नीचे आप बता दिएगा ऑन चार्जिंग प्लेट ए बाई प्लस क्यू, ऑन चार्जिंग प्लेट ए बाई प्लस क्यू, ऑन चार्जिंग प्लेट ए बाई प्लस क्यू कॉमा चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। तुम देखो ध्यान से, मैं नया लिख ही नहीं रहा हूँ, तो पुराने लेखे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर इंड्यूस्ड ऑन अपोजिट फेसेस ऑफ प्लेट बी ऑल्सो, चाहो तो प्लेट लिख सकते हो, चाहो तो शेल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वही पुरानी लाइन, चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर इंड्यूस्ड ऑन अपोजिट फेसेस ऑफ प्लेट बी ऑल्सो। तुम ध्यान देखो तो अपनी खुद की कॉपी से लिख सकते हो, ऊपर बोर्ड नहीं देखो तो भी अपनी कॉपी से भी आप लिख सकते हैं, ठीक। और आगे की लाइन ये रही, देखो ध्यान से, ये भी कॉपी पेस्ट करनी है तुम्हारी अपनी कॉपी में, यहाँ देखने देखा था, अपनी कॉपी से देख लो। चार्ज माइनस क्यू डिक्रीजेज द पोटेंशियल एंड इंक्रीजेज द कैपेसिटेंस, बट चार्ज प्लस क्यू टेंड्स टू डिक्रीज द कैपेसिटेंस, दस इट इज डिसिपेटेड इन अर्थ। कोई प्रॉब्लम है यहां तक किसी को, लिख दिया, और मैंने कहा अपनी कॉपी से लिख दो,
अभी एक लाइन और आगे बढ़ेगी, यहाँ तक पहुँच गए क्या? Yes, हाँ, मैंने कहा तो ऐसा है अपनी कॉपी से लिख दो ना, कोई जरूरत नहीं। एक और लाइन आगे की कॉपी करो, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सेटअप बिटवीन द प्लेट्स, बस यहीं तक लेना, वैल्यू मत कर देना। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सेटअप बिटवीन द प्लेट्स, और आ जाए मैं डेरिवेशन का कंसेप्ट एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ तक आए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप बिटवीन द प्लेट्स, पूरा आपने अपना ऊपर से कॉपी किया है। अब भी हम नकल करेंगे बट अकल के साथ, नकल तो अब भी होगी पर अब प्रिंसिपल वाइज नकल होगी। क्या आपको ध्यान है, हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिटन देन वी विल गो फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर देन वी विल राइट द कैपेसिटेंस। और कैसे करोगे, तो अब ध्यान देखो, अब तुम्हारे पास एक इंटीग्रेशन जिसको बार बार कह रहा था, वो इंटीग्रेशन हर दो दिन छोड़ के तुम्हारे पास निकल आता है, क्योंकि स्फेरिकल शेल का तुम्हें इंटेंसिटी याद होगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होती है, क्योंकि हम कई बार इस्तेमाल करते आ रहे हैं हर एक दो दिन बाद। तो जैसे ही आपने लिखा है इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सेटअप बिटवीन द प्लेट्स या शेल्स, तो बस अब इस फिगर का काम खत्म हो गया। अब हम पुराने काम पर चले जाते हैं जो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, कहीं नहीं तो मैंने कहा अभी ये स्फेरिकल कंडक्टर निकाल रहे थे पिछले से पिछले टर्न पर, उसको देख लेना। कहाँ जाओगे आप बताएंगे, E इज़ इक्वल्स टू आपका निकलेगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और बढ़ जाएगा हैंस। चलते हैं आराम से मज़े से, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और कईयों को तो ये अब रटी हुई चीज़ डायरेक्ट भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मैं हमेशा की तरह एक चांस और आपको दूंगा। यही होगा वी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर बी टू ए। आ जाए यहाँ तक फुर्ती से, ई की वैल्यू निकाल दें, वी रख दें, माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर बी टू ए, फिर वही पुराना डेरिवेशन बेचारा फिर वापस आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ई बोलें तो और जैसे यहाँ तक आ जाए मुझे बताइएगा। ठीक है, आराम से है, कोई बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, टाइम दे देता हूँ। बाकी ये कि अब तुम्हारा एक पुराना रटा हुआ मामला है इसके आगे, बस मुझे केवल एक चीज़ बतानी है, ध्यान देखना, तुम्हें बी से ए तक लेना है। अब बाकी सभी पहुँच गए तक, बढ़िया सही पहुँच गए। अब इधर देखना, फिर आप ध्यान देखें, आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, आपको इस प्लेट से इस प्लेट तक आना है, क्या आपको ऐसा नज़र आ रहा है? दोनों प्लेट्स के बीच में जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसका डिस्टेंस है b और इसका डिस्टेंस है, यानी आप b टू a जो आपका डिस्टेंस जाएगा, आपको कितना डिस्टेंस लेना है फ्रॉम b टू a, क्योंकि आप इस प्लेट से लेके इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस यही होता था फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर पॉइंट। तो जब डिस्टेंसेस देखोगे तो डिस्टेंसेस तो नजर आएंगे, एक डिस्टेंस आपका होगा बी और एक डिस्टेंस हमने मान रखा था, क्योंकि यही आपने रेडियस मानी है। किसी को इसमें शंका हो तो मुझे बताओ। बस कोई डाउट हो तो मुझे पूछ ले, तो फिर तो मैं इंटीग्रेट तो दो लाइन में खुट 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 कर दूंगा, तुमसे ही कह दूंगा जल्दी जल्दी कर लो। कोई शंका तो नहीं बी टू ए में? बस तो इंटीग्रेट चाहो तो खुद भी कर सकते हो, क्या हो जाएगा? आप तो यार अब तो देखो चौथी पांचवी बार कर रहे हैं ना। हाँ, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर लें, इंटीग्रेशन बी टू ए आर की पावर माइनस टू डी आर, कितनी बार कर चुके अपने से, और फिर आगे बढ़ें। ठीक है, मेरे साथ साथ क्या मुझसे आगे करने का प्रयास करें। ठीक, r की पावर माइनस टू का हो जाएगा माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, लिमिट हो गई आपकी b टू a, और हमेशा की तरह माइनस बेचारा क्या करेगा, तो माइनस कुछ नहीं करेगा, माइनस क्या कर लेगा, बस इस माइनस को हटा देगा और आगे बढ़ जाइएगा।
चलते आ रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं किसी को। और मैंने कहा चाहो तो उसको तुम खुद भी कर सकते हो। कितना हो जाएगा v इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r, एक बार रखेंगे 1 अपॉन a और एक बार रख देंगे माइनस 1 अपॉन b। ठीक, चेक करें यहाँ तक आप पहुँच जाते हैं, हाँ या ना? पहुँच गए। बस अब अपन इतने एरिया में अपना पूरा काम निपटा लेंगे, ठीक है ना? इतनी जगह अपने लिए बहुत है। कुछ नहीं, इंटीग्रेट कर दिया भाई, पुराने वाला लिमिट्स रख दी हैं। और चाहो तो चलो एक स्टेप और छोटा चल देते हैं, अच्छा लगेगा। अच्छा ये लगेगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब समझ ही रहे होगे। इसको अपन करेंगे बी माइनस ए और अपॉन में आप कर देंगे ए बी, खत्म। एलसीएम ले लिया यार, ऐसे क्या देख रहे हो। जैसे ही आपका वी निकल आया, बस फाइनल स्टेप हम पहुंच गए। और फाइनल स्टेप क्या होगा, हेंस यही मैंने कहा था, ई निकालें वी निकालें और फाइनल आप पहुंच जाएंगे कैपेसिटेंस पर। कैपेसिटेंस आपसे क्या कहती है, सी इज इक्वल्स टू होना चाहिए क्यू अपॉन वी और क्यू अपॉन, अब एक और लाइन खर्च करूं, नहीं यही कर लेते हैं, क्यू अपॉन वी। वी का मतलब बी माइनस ए बी, नजर आ रहा है क्या होगा, कुछ खास काम नहीं होगा आपका। क्यू और क्यू कैंसिल हो लेंगे और आप यार सीधा तो कर ही सकते हो, अब ये नहीं कहना। जैसे आप इसको सीधा करेंगे दैट विल बिकम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर ए और बी ऊपर, और नीचे बचेगा आपके लिए बी माइनस ए। चले आए, कंप्लीट कर दें। ये आपका निकाल आता है स्फेरिकल कैपेसिटर। कर दिया सभी ने कंप्लीट? ठीक है, डन। एक लाइन रह गई है इसमें, कोई बताएगा लास्ट लाइन क्या? बताओ जरा एक लास्ट लाइन इसमें मुझे और क्या लिखनी चाहिए। एक लाइन और बच गई है, बताओ मैं क्या लिखूं? ऊपर देख के बताओ पिछले वाले से। डायलेक्ट्रिक वाली लाइन रह गई है, सही कह रहे हैं, पिछले वाले को चेक कर लो मिल जाएगी। नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा, इफ अ डायलेक्ट्रिक मटेरियल लाइक वैक्स माइका और रबर इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स, इफ अ डायलेक्ट्रिक मटेरियल लाइक वैक्स माइका और रबर इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स देन, बट देन क्या, देन में एक लाइन ऐड कर देते हैं, सी डैश इज इक्वल्स टू के सी, यानी कि सी डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा के, फ्रंट पे मत लिखना मजा नहीं आएगा, उसको आप लिखना भीतर, तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी अपॉन बी माइनस ए। बस के से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स ऑल। ये हमने कहा हमारा आज का आपका स्फेरिकल कैपेसिटर तक का काम ख़त्म होता है। अब स्फेरिकल कैपेसिटर्स के बाद अब कुछ और हम कैपेसिटर्स हैं और इसके कुछ स्पेशल टाइप्स, पार्शियल डायलेक्ट्रिक और इस टाइप के, फिर अब हम अगले टर्न पर लेते हुए जाएंगे। ठीक है ना, इसको रिकॉर्डिंग बंद करना।